अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, दो दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से दो दिन ही हो गए हैं कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, वीडियो नहीं बना रही हूँ बिल्कुल भी। उसकी वजह यह है कि जुनैर की काफ़ी तबीयत ख़राब है, यानी कि उनके दांत आ रहे हैं, आपको पता है। और जब दांत आ रहे हों बच्चों को तो उनको कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा इनको लूज़ मोशन, और जो है ना बहुत बहुत परेशान हो रही हूँ इनका। आप देखें कैसा हाल हो रहा है, काफ़ी वीक हो गए मेरे बेटे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा इनको, ही संभालने में ही मेरा टाइम गुजर रहा है पूरा। इफ्तारी भी ज़ुबैर ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर देते हैं, मेरे साथ मदद कर देते हैं मेरी, ज़्यादातर वही बना रहे हैं। वो कहते हैं बस तुम इसको संभालो, और ये बिल्कुल भी जो है ना वो सुकून से जो है वो नहीं बैठ पा रहे इनको इसमें भी इतने तबीयत ख़राब में भी ये मस्ती। ये देखिए बात करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप, क्या हाल हैं आप, कैसे बोलो। तो माशाल्लाह से अब बड़े हो रहे हैं, मस्तियाँ भी बढ़ रही हैं, और इसे क्या कहते हैं, अब दांत भी निकाल रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। किसी को अगर पता हो कि ऐसे दांत निकाल रहा हो बच्चा, तो इस क्या देना चाहिए, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जो मेरी बड़े जो बड़े लोग देख रहे हैं। क्योंकि मेरी सास ने तो मुझे यही कहा है कि इसे क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं होता है कि बस थोड़ा इसको अभी होगी, इसको उल्टिया मोशन इस तरह करेगा, क्योंकि बच्चा दांत निकाल रहा होता है वो तकलीफ़ में होता है, जाओ जाओ खेल। तो इसलिए तो मैंने कहा चलो उनसे मैंने, हाँ मैंने ना मोशन रोकने के लिए इसे कावा बना के दिया था। मेरे जब मेरा भाई है बड़ा वाला, छोटे वाले की दफ़ा तो इतने मोशन वगैरह उसे नहीं हुए थे, मगर बड़े वाले की दफ़ा उसकी भी ऐसी हालत हो गई थी, तो हम लोग जो है वो उसे कावा बना के देते थे। हाँ छोटे वाले की दफ़ा भी हुआ था, तो हम कावा बना के देते थे पत्ती का, और उसके अंदर हल्का सा नींबू निचोड़ के, किसी ने टोटका बताया था कि इससे जो है वो थोड़ा मतलब रुक जाएंगे। वो काफ़ी वीक हो गए हैं जुनैर, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो मुझे इसकी टेंशन लगी हुई है। मतलब नढ़ा अब उनकी वीकनेस का ये हाल हो गया कि वो ना बैठ नहीं पा रहे हैं, एकदम गिर जाते हैं, बैठे बैठे भी गिर जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, और इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 11:30। तो मैंने कहा चलो मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। और जो है अभी हमने अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो मैं अभी खाना बन चुका है, खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल, और इसी के कहते हैं बस इसी को भला पुसला रहे हैं, इसके साथ खेलने में लगे हुए। मेरे जो है वो हस्बैंड भी जो है आजकल बस इसी के साथ ही लगे हुए कि नहीं यार थोड़ा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। वैसे मैंने अपने भाई बहन को तो देखा था, मगर वो मम्मा करती थी, ठीक है, मतलब संभालती तो मैं भी थी, मगर वो जो है उनको रोकना, उनको देखना वो मम्मा करती थी। मगर इसी के कहते हैं अब मेरा अपना ही बेटा है, और इसके साथ जो है ना मैं अकेली, और माशाल्लाह से मम्मा के साथ तो हम भी थे, और भी जो है ना इधर उधर से मालूमात मिल जाती थी। अभी मैं तो इसी के कहते हैं क्योंकि मैं साथ में माला छठे माले पर रहती हूँ, तो अकेली होती हूँ। यहाँ जो जुनैद, यहाँ जो ये लो। तो हम लोग तो इसे, मेरे को ज़्यादा मालूमात नहीं है अभी, तो मैं कावा बना के दे रही हूँ बस इनको, के ताकि इनके वो फ्लैजल सिरप ले आई हूँ, 21 गोलियाँ खिला रही हूँ ताकि इनके आराम से दांत निकलें। तो काफ़ी परेशानी हो रही है, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी वो भी हो रहा है कि यार आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बन पा रही, मगर अब क्या करूँ, बेटे को देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बस ये चल रहा है आजकल मेरी लाइफ में, तो ये मेरा एक हिस्सा ही था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आपको बताऊं, ताकि ये मेरी एक वो भी हो जाएगी, क्या कहते हैं, मेमोरी सेव भी हो जाएगी, कि जुनैर को भी पता चलेगा कि मैंने मेरी जो है वो मेरी वीडियो बना ली थी कि जब मेरे दांत निकलने वाले थे, तो दांत इनके निकलने वाले हैं। आज क्या डेट है, आज डेट एक तो यार मैं डेट भूल जाती हूँ, यहाँ ज़ुबैर के मोबाइल में देख सकती हूँ ना, तो 20 तारीख है, 4th महीना है, और 2021 है, और जो है ना जुनैर के जो है वो दांत, मतलब दो दिन हो गए इनके जो है दांत निकलने वाले हैं, तो यानी
के 20, 19, 18 तारीख से इनके यही तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब कि इनको लूज मोशन और ये वो सब इनके साथ चल रहा है। तो चलो मैंने मेमोरी सेव कर ली अपनी एक, कि मुझे पता चल गया कि इस तारीख से इनके दांत की तकलीफ़ इनको स्टार्ट हो गई थी, और नीचे के जो छोटे छोटे दो दांत हैं ना यहाँ के, तो ये जो है ना अभी हल्के हल्के उभर रहे हैं, मतलब दिख हल्का हल्का वाजिया हो रहा है, अभी दांत बाहर नहीं आए हैं, तो वाजिया हो रहा है कि दांत माशाल्लाह से आने वाले हैं इनके। तो खुशी भी हो रही है कि अल्लाह का शुक्र है कि चलो आ जाए, मैं बहुत परेशान थी इनके दांत नहीं आ रहे, इनके दांत नहीं आ रहे और आ रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मुझे तो कोई इतनी परेशानी नहीं है, बस इन्हीं को ही देख देख के कुछ हो रहा है कि नहीं यार बच्चा मेरा जो है वो बहुत वीक हो गया है। मुन्नी दांत दिखाओ, फ्रेंड्स को दांत दिखाओ। हाँ ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें वाजी हो रहा है, मतलब कि ना रौनक चमक सी है उस जगह पे। तो बस अभी मैं जल्दी से खाना हम लोगों ने मैंने बना लिया, मैंने दाल चावल बनाए, साथ में बस पापड़ तल लूँगी और खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद क्या एक्टिविटी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना बन चुका था, और मतलब खाना तो बन गया, बना हुआ ही था, तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत दिनों बाद दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो हमने दाल चावल खाए नहीं थे, और उबले हुए राइस तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे। तो यहाँ पे ये मैं पापड़ जो इम्तियाज़ से लाई, मैगनेट से लाई थी, वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, साथ में दाल है, साथ में चावल हैं। और जो है इसे क्या कहते हैं, जब तक दाल चावलों के साथ पापड़ ना हो मज़ा नहीं आता, या तो अचार हो। तो बस अब हम खाना खा रहे हैं, मिलती हूँ खाना खाने के बाद, क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़ुबैर जो है थोड़ा सा जुनैर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा इनके इसके साथ खेलते हैं, ताकि उनका भी खाना हज़म हो जाए और जुनैर का भी। और बस जुनैर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने हैप्पी हो रहे हैं, और वैसे भी ज़ुबैर भी काफ़ी परेशान है, इनके तबीयत ख़राब है, तो इसलिए जुनैर की तबीयत की वजह से वो भी परेशान है, तो बस ये खेल रहे हैं थोड़ा सा। के बज रहे हैं 12:30 और हम लोगों ने खाना खा लिया है, ये बस ऐसे ही रो रो करते हैं, तो खाना भी खा लिया है और ज़ुबैर इसके साथ खेल रहे थे, मैंने थोड़ी सी वो भी क्लिप बना ली है, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। शेयर क्या करूँगी, वो भी मैंने डाल दी है, मतलब कि पहले वही डाली है, और फिर उसके बाद जो है वो इसे क्या कहते हैं, अब जो है वो हम लोग लगे हैं सोने की, सोएंगे तो नहीं, मैं तो पूरी रात जागती रहती हूँ, मोबाइल में लगी रहती हूँ। और जो है इसे क्या कहते हैं, अभी जो है मुझे रात भर जागूँगी, रात भर जागने के बाद 3 बजे तक उठ के सहरी बनाऊँगी, तो सहरी बनाने के बाद जो है वो सहरी अगर बनाते हुए वीडियो बनाई तो दिखा दूँगी आपको, मगर ना मुश्किल हो जाता है, सहरी में भी उठे हुए होते हैं, तो वीडियो बनाऊँ या नाश्ता बनाऊँ, सहरी बनाऊँ या फिर इनको देखूँ, तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ कुछ लोग ना मैं वीडियो नहीं टाइम पर बनाती तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो यार ऐसा नहीं किया करें प्लीज़, ऐसे ये गलत मतलब ये गलत हो जाता है कभी कभी, मेरी आप लोग को पता है, मैंने अपने भी बताया है आप लोगों को कि तबीयत ऐसी नहीं होती, कभी दिल भी नहीं चाह रहा होता, मगर फिर भी मैं मजबूरन कैमरा उठा के मुझे बनानी पड़ती है कि यार नहीं ये मेरा काम है, इसको मुझे प्रॉपर टाइम देना है, इसलिए समझ लो एक रोज़ी रोटी ही है मेरी ये, क्योंकि इसे क्या कहते हैं अल्लाह पाक ने अगर चाहा जल्दी मोनिटाइज हो गया तो इसमें से पेमेंट आएगी, तो मैं चाहती हूँ मैं मेहनत करके ही ऐसे कमाऊँ, इस तरह से नहीं। और ये कुछ लोग समझते हैं कि ये हराम का है, मैंने क्या किसी अक्सर लोगों के ना वीडियो में नीचे कमेंट देखे हैं कि वो लोग लिख देते हैं कि हराम पैसा ये, ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत थोड़ी होती है हमारी, हमारा नेट ज़ाया होता है, और इसी क्या कहते हैं अक्सर तो मेरे पास नेट ही नहीं होता, पैकेज करवाती हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करती हूँ और जो है ना मेहनत करूँगी आगे, और सब लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, मैं तो इतनी करती भी नहीं हूँ, मगर काफ़ी लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं,
तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें, वायरस चल रहा है, हैंड्स वॉश लाजमी करें, बार बार हाथ धोएं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।